टुडे वी डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर टू ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स। इन दिस सेक्शन वी हैव टू डिस्कस कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वी हैव टू डिस्कस टुडे आवर टॉपिक इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर टू थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू JUT डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा। इसमें दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन के बारे में। उसके बाद इसेंट्रिक लोड के लिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा, इसेंट्रिक लोड के लिए लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी किसको कहते हैं, कोर ऑफ सेक्शन, मिडिल थर्ड रूल एंड मिडिल फोर्थ रूल, ये पहले वाले सेक्शन में पढ़ना है। और सेकेंड सेक्शन जो होगा वो स्टेबिलिटी होगा कॉन्क्रीट और मैसनरी डैम का, और उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल डैम का जिसका वाटर फेस वर्टिकल हो, उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एंड देन मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर या स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा उनके बेस पर। किसके बेस पर, तो डैम, चिमनी और रिटेनिंग वॉल। ये टोटल सिलेबस है यूनिट नंबर टू का। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2.1, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस होगा, अगर इस सेंट्रल एक्सिस पर कोई लोड अप्लाई होता है, जैसे पी लोड अगर अप्लाई होता है, तो इस केस में जनरेट होने वाला जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे, और डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा नॉट से डिनोट करेंगे। हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, तो लोड पर यूनिट एरिया होता है। और यह कब होता है, जब कॉन्सेंट्रिक लोड यानी कि बॉडी के डायरेक्टली एक्सिस पर लोड अप्लाई हो रहा हो, उस केस में। ठीक है, सिमिलरली लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी किसको कहेंगे, जब लोड बॉडी के एक्सिस पर ना पड़ के, बॉडी के एक्सिस पर जैसे लोड था वहां पर ना पड़ के वहां से कुछ डिस्टेंस पर पड़ता हो, कुछ दूरी पे, चाहे तो वो राइट साइड में आए चाहे तो वो लेफ्ट साइड में, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, और जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में लोड के साथ में डिस्टेंस यहां पर आ गया, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर बेंडिंग जनरेट होगा, और ड्यू टू जनरेशन ऑफ दिस बेंडिंग यहां पर कैलकुलेट होता है बेंडिंग स्ट्रेस। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पर जो लोड है वो लोड एक्सिस पर ना पड़ के वो लोड पड़ता है कुछ डिस्टेंस पर, तो ड्यू टू इसेंट्रिसिटी यहां पर जनरेट होता है आपको मोमेंट, और मोमेंट होता है लोड इनटू डिस्टेंस, और यहीं से जनरेट होता है बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बी से डिनोट करेंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू एम बाई जेड। यह एम बाई जेड कैसे आएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है फ्लेक्चरल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन, वहां से ये चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब कि अगर बॉडी पर डायरेक्टली लोड अप्लाई हो रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, तो उस केस में जनरेट हुआ स्ट्रेस को कहेंगे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस, और जब ड्यू टू बेंडिंग अगर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो उस केस में कहेंगे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो उम्मीद है इतना चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका कुछ डिफिनेशन के लिए और इनके कॉम्बिनेशन के लिए, डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस का क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो उसके बारे में पहले डिफिनेशन। जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, द स्ट्रेस विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू अप्लाइड लोड व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी और स्ट्रक्चर। जब किसी बॉडी या किसी स्ट्रक्चर का लोड जो परपेंडिकुलर इस पर लग रहा हो, तो इस समय जो जनरेट हुआ स्ट्रेस है वही होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। व्हेन द लोड इज डायरेक्टली अप्लाइड बाई टेंजेंशियल फोर्स, जब लोड टेंजेंशियली यहां पर अप्लाइड हो, द शियर फोर्स इज डेवलप इन बॉडी और स्ट्रक्चर, तो इसमें शियर फोर्स डेवलप होते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा नॉट से डिनोट करेंगे, जो कि कहलाएगा फोर्स बट्टा में एरिया। जितना लोड इस पे अप्लाई हो रहा है लोड पर यूनिट एरिया कहलाएगा हमको क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, व्हेन द लोड इज एक्टिंग इट डज नॉट कंसाइड विद एक्सिस ऑफ बॉडी, यानी कि जब लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा किसी बॉडी पर, तो यह एक्सिस से कंसाइड नहीं करके कुछ डिस्टेंस पर अप्लाई होगा। देन द रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, तो इस केस में जो रेसिस्टेंस होगा बॉडी का, जिसको हम लोग सिग्मा नॉट से डिनोट करेंगे एम बाई जेड, यह कहलाएगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और यह बेंडिंग स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, तो देखिए फ्लेक्चरल फॉर्मूला होता है, फ्लेक्चरल फॉर्मूला एम बाई आई सिग्मा बी बट्टा में
y इज इक्वल टू ई बाई आर, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब तीनों बराबर है तो किसी दो को हम बराबर कर लेते हैं, जैसे ये पहला दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको सिग्मा बी चाहिए, सिग्मा बी चाहिए, तो सिग्मा बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m, ये y यहाँ चला जाएगा, m इंटू वाई डिवाइड बाई आई लिख सकते हैं, ये i होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, m डिवाइड बाई आई बट्टा वाई लिख सकते हैं, और आई बट्टा वाई ही को कहा जाता है सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस को डिनोट करते हैं जेड से, तो सिग्मा बी बराबर हो जाता है एम बाई जेड। तो ये जनरेट होता है फ्लेक्चरल फॉर्मूला या बेंडिंग फॉर्मूला, इसको कहते हैं बेंडिंग इक्वेशन से ये जनरेट होता है, जहां जेड होता है सेक्शन मॉडुलस, जो कि होता है आई बट्टा वाई, जहां आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को क्रिएट कर सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला यहां से जनरेट करते हैं, ठीक है। और लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी का मतलब हो गया ई, स्मॉल ई से जिसको डिनोट करते हैं, मतलब ये डिस्टेंस होता है किसके बीच का डिस्टेंस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड यहाँ पे लगना चाहिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ई के बारे में, ठीक है। तो इसको करने ई, अगर इसको डिफाइन करना होगा इसके बारे में लिख सकते हैं, ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस ऑफ मेंबर इज कॉल्ड इसेंट्रिक लोड, मतलब ऐसा लोड जो मेंबर के साथ में, मेंबर के एक्सिस के साथ कंसाइड नहीं करे उसको कहेंगे इसेंट्रिक लोड। इसको हम लोग पी यू को, जैसे पी है, पी यहाँ लग रहा था तो कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, तो इसको हम पी यू जनरेट करेंगे, पी यू लिखेंगे, तो इस पी यू को कहेंगे इसेंट्रिक लोड। द डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ बॉडी एंड पॉइंट ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड इसेंट्रिक लिमिट और लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। मतलब कोई बॉडी है, अगर इसके सेंटर पे लोड नहीं लगता है, कुछ दूरी पे लगा, तो इसको कहेंगे हम लोग इसेंट्रिक लोड, और जहां इसका एक्सिस है इसके बीच का जो दूरी होगा इसी डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी या फिर इसेंट्रिक लिमिट कहा जाता है, जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना चीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ना, ठीक है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे, देखिए सिग्मा नॉट और प्लस सिग्मा बी, तो जोड़ेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होता है तो इसी को कहा जाता है सिग्मा मैक्स, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। और मिनिमम की बात करेंगे, सिग्मा मिनिमम, यानी कि क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी, यानी कि इसको हम एक दूसरे में से घटा देंगे। अब बात आती है कि डायरेक्ट स्ट्रेस में से ही क्यों घटाए, क्योंकि बॉडी पर डायरेक्ट स्ट्रेस ज्यादा लगता है विथ रिस्पेक्ट टू बेंडिंग स्ट्रेस। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति का ही एग्जाम्पल दें, अगर हम इसके सर पे लोड लगाएंगे, अगर हम कहें कि कोई सामान आप सर के बल लेकर के चलिए, तो आप ज्यादा दूर जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंधा पे लगने वाला लोड का। तो मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस किसी भी बॉडी में ज्यादा जनरेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू बेंडिंग स्ट्रेस। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि सेम लोड को आप सर के बल लेके चले, सेम लोड को कंधे पर लेके चले, तो कौन सा ज्यादा बेटर फील करेगा ले जाने में, तो सर के बल होगा लोड, मतलब सर पे रखा हुआ लोड वो ज्यादा दूर लेके जा सकेगा, उसमें ज्यादा इसको बेटर फीलिंग होगा। मतलब डायरेक्टली अप्लाइड लोड बॉडी पर ज्यादा जनरेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू बेंडिंग, तो बेंडिंग हमेशा ही छोटा रहता है डायरेक्ट स्ट्रेस से, इसलिए मिनिमम के लिए डायरेक्ट में से बेंडिंग को हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो ये केस हो गया आपका मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए यानी कि अगर लिखना होगा सिग्मा मैक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब हो गया पी बट्टा में एरिया, और बेंडिंग का मतलब हो गया एम बाई जेड, और सिमिलरली सिग्मा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पी बट्टा में एरिया और माइनस हो जाएगा एम बट्टा में जेड। तो ये चीजें थी आपको डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और कॉम्बिनेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं उसके बारे में था, ठीक है। तो उम्मीद है इतना चीज आपको क्लियर हुई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर ऑफ सेक्शन। कोर ऑफ सेक्शन किसको कहा जाता है, तो कोर ऑफ सेक्शन हम दो तरह के शेप में डिस्कस करेंगे, एक डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल के लिए और दूसरा डिस्कस करेंगे स्क्वायर, तो जो सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के जब हम कोर ऑफ सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ से जनरेट होता है मिडिल थर्ड रूल। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिडिल थर्ड रूल, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। होता क्या है कोर ऑफ सेक्शन, जैसे जैसे कि आपके पास कोई रेक्टेंगल सेक्शन है, रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, बात दोनों में सेम रहेगा। इस रेक्टेंगल सेक्शन का कोई एक एक्सिस होगा, कोई एक एक्सिस होगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक्सिस के बिल्कुल सेंटर पर लोड पड़ता है तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट लोड, और इससे जनरेट हुआ स्ट्रेस को कहेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस।
अगर सेंटर के या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में या तो टॉप साइड में या तो बॉटम साइड में कहीं भी लोड पड़ता है तो वो कहलाता है इसेंट्रिक लोड, और इसी से बनता है हमको बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, तो यह इसेंट्रिसिटी कहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ से इसका बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है ये होता है इसेंट्रिसिटी, ये भी कहलाएगा आपको इसेंट्रिसिटी, कहीं भी हो सकता है। तो मतलब रेक्टेंगल सेक्शन में अगर यह सभी लाइन को जोड़ दें, इन सभी लाइन को आपस में जोड़ देते हैं, तो जो सेक्शन हमें मिला इसी सेक्शन को कहा जाता है कोर ऑफ सेक्शन। ठीक है, इसी सेक्शन को कहेंगे कोर ऑफ सेक्शन, जिसका कोर ऑफ सेक्शन का जो विड्थ होता है, यह विड्थ कितना होगा, तो देखिए यहां से विड्थ हमने निकाला, इसका कितना आया टोटल विड्थ 1e मिलके हो गया कितना 2e, यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी 1e और 1e मिलके हो जाएगा 2e, जिसका विड्थ जो होता है 2e के बराबर होता है। कहने का मतलब कि लोड इस सेक्शन पर कहीं भी लगेगा तो यह कॉलम हमारा सेफ रहेगा, अदरवाइज इस सेक्शन के बाहर लोड लगेगा तो कॉलम सेफ नहीं रहेगा, यही बताता है कोर ऑफ सेक्शन में। ठीक है, उम्मीद है इतना चीजें क्लियर होगा होगा। बाय ज्वाइनिंग द लिमिटिंग इसेंट्रिसिटी वी गेट ए सेक्शन, दैट सेक्शन इज कॉल्ड कोर ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कोर ऑफ सेक्शन जो होता है, ये आपका कोर ऑफ सेक्शन का जो विड्थ होता है 2e के बराबर होता है, 2e, और यही 2e जो होता है, यही 2e की वैल्यू अगर रेक्टेंगल का जो विड्थ है, रेक्टेंगल का टोटल विड्थ मान लेते हैं यहाँ से b है, ठीक है, तो यही 2e जो होगा, 2e बराबर b बट्टा 3 का होता है, इसी को कहा जाता है मिडिल थर्ड रूल। ठीक है, अगर यहाँ से रेक्टेंगल का जो साइज है, यहाँ से अगर हम d मानते हैं, ठीक है, स्मॉल d अगर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2e बराबर होगा d बाई 3 का। ठीक है, along this axis, along this axis, मतलब जितना उस एक्सिस का विड्थ होगा, जितना चौड़ाई होगा, उसका तीसरा भाग यहाँ का कोर ऑफ सेक्शन का विड्थ होता है, इसी को कहा जाता है मिडिल थर्ड रूल। ठीक है, इसी को कहते हैं मिडिल थर्ड रूल। अब ये मिडिल थर्ड रूल को आता है आपके एग्जाम में, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में बताएं, तो आपको करना कुछ नहीं है, करना यही है कि पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम जैसा कि हम पहले बनाए थे, यहां से इसका पहले आपको एक्सिस बना लेना है। एक्सिस बना लेने के बाद आपको ये टोटल लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी वाले वैल्यू को, इसेंट्रिसिटी कहीं भी हो सकता है, चारों डायरेक्शन में हम बना दिए हैं, तो यहां से जो सेक्शन मिला, इस सेक्शन को कहा जाता है कोर ऑफ सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन को कहते हैं कोर ऑफ सेक्शन, और यहां से इसका टोटल विड्थ जो होता है कोर ऑफ सेक्शन का, ई और ई मिलकर हो जाता है 2e, सिमिलर इस डायरेक्शन में भी ई एंड ई मिलकर हो जाता है 2e। रेक्टेंगल का जो विड्थ है, रेक्टेंगल का साइज मानते हैं बी और डी के टर्म में है, रेक्टेंगल का जो साइज है बी और डी के टर्म में है, रेक्टेंगल का साइज, और इसी को आपको डिफाइन करना है कि मिडिल थर्ड रूल क्या होता है। ठीक है, तो मिडिल थर्ड रूल के लिए देखिए क्या करेंगे, हमने जैसा कहा कि डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा ही ग्रेटर होता है बेंडिंग स्ट्रेस से। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल दिया किसी आदमी का कि अगर सर के बल लोड लेके जाएगा तो ज्यादा दूर तक जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू कंधा पर रखे हुए लोड के, तो हमेशा या तो डायरेक्ट स्ट्रेस ग्रेटर होगा या तो इसके बराबर होगा, कभी भी डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से कम नहीं होता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला पी बट्टा एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है मोमेंट बट्टा में जेड, दोनों का फॉर्मूला लिख दिए। ठीक है, पी बट्टा में एरिया के नीचे पी बट्टा एरिया लिखे, और मोमेंट एम बराबर क्या होता है लोड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के जगह पर क्या है इसेंट्रिसिटी, और जेड, जेड का मतलब हुआ, देखिए रेक्टेंगल सेक्शन का जेड का मतलब होता है सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस होता है आई बट्टा में वाई। जब बात करते हैं रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रेक्टेंगल सेक्शन का, ये बीडी स्क्वायर बाई सिक्स होता है, बीडी स्क्वायर बाई सिक्स। आप सभी जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल सेक्शन का बीडी स्क्वायर बाई सिक्स, इसके हम अगर विड्थ बी और डेप्थ डी लेते हैं तब, और वाई हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वाई का मतलब हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मतलब जितना आपका विड्थ है, जितना ये विड्थ है उसी के ये बराबर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जैसे डी बाई सिक्स लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप डी बाई टू करके, एंड टोटल जितना विड्थ होगा इसका आधा ही क्या होगा, इसका रेक्टेंगल का न्यूट्रल एक्सिस होगा। मतलब यहाँ से जेड की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, अगर जेड की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, तो क्या बन जाएगा आपका टोटल,
ये बीडी क्यूब बीडी स्क्वायर बाई सिक्स, ये डायरेक्टली आई बाई वाई को डिफाइन करके ही आता है, ये होता है बीडी क्यूब बाई ट्वेल्व, बीडी क्यूब बाई ट्वेल्व हो जाता है, बीडी क्यूब बाई ट्वेल्व और डी बाई टू इसमें आ जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है बीडी स्क्वायर बाई सिक्स, मतलब जेड की वैल्यू हुई थी बीडी क्यूब बाई सिक्स यहाँ पर, तो आई होता है बीडी क्यूब बाई ट्वेल्व एंड वाई हो गया यहाँ पर डी बाई टू, तो जेड की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाती है बीडी स्क्वायर बाई सिक्स। ये हमारा हो गया जब डेप्थ के रिकॉर्डिंग डेप्थ के रिगार्डिंग हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देखिए पी से पी यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है और जेड की जगह रख देंगे यहाँ पर बी डी स्क्वायर बाई सिक्स यहाँ पर, तो हमारे पास में जो वैल्यू मिला वन बट्टा में एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू ई, सिक्स ऊपर जाएगा ई इंटू में सिक्स डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर। एरिया क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हैं वन बट्टा में बी इंटू में डी और ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स ई बट्टा बी डी स्क्वायर। देखिए डी से डी कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि डी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर डी आ जाएगा और सिक्स नीचे आ गया, सिक्स नीचे और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ई, यानी कि इसको जब हम लिमिट इसका जब चेंज करेंगे तो ई लेस देन इक्वल टू डी बाई सिक्स और सिक्स में से यहाँ जब हम टू बाहर निकाल लेते हैं तो लिख सकते हैं इसी को 2e less than equal to d by 3, मतलब यहाँ पर equal to का साइन को जब इक्वेट करेंगे तो 2e बराबर d by 3 आ जाता है, इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि सबसे पहले क्या करना है कि बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा ही कम होगा डायरेक्ट स्ट्रेस से, दोनों का फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ वैल्यू पुट किए, मोमेंट बराबर होता है लोड इनटू डिस्टेंस यहाँ रखें और जेड है सेक्शन मॉडुलस, तो रेक्टेंगल के लिए सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आपको यहाँ से पुट कर लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बीडी क्यू बाई ट्वेल्व और वाई जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये डी बाई टू होता है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर दिए और पुट करने के साथ ही सारा वैल्यू यहाँ पर लिख लिए, तो ये कहलाता है मिडिल थर्ड रूम। ठीक है, नो टेंशन जोन के लिए आपको ये वैल्यू यहाँ से मिल जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिडिल फोर्थ रूल के बारे में। मिडिल फोर्थ रूल जो अप्लाई होगा ये कोर ऑफ सेक्शन, मिडिल फोर्थ रूल जो होगा सर्कुलर सेक्शन पे अप्लाई होगा, मतलब सर्कुलर सेक्शन जैसा कि जैसे कॉलम का शेप आप रेक्टेंगल देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, सर्कुलर देखते हैं और कोई शेप नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि उस सर्कुलर शेप के अलावे जितने भी होते हैं कॉलम का शेप उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उससे वैल्यू मैच नहीं करता है। ठीक है, तो मानते हैं कि इसका जो सेंटर है और सेंटर पर लोड ये नहीं पड़ रहा है, लोड कहाँ पड़ रहा है तो सेंटर के अलावे उसके या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में या तो टॉप में या तो बॉटम में, ठीक है, कहीं भी इसेंट्रिसिटी हो सकता है। तो जब इस लाइन को हमने मिलाया तो यहाँ से भी एक सेक्शन हमें जनरेट होता हुआ दिखता है और इसी सेक्शन को कहा जाता है कोर ऑफ सेक्शन। ठीक है, यहाँ से भी ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ से भी ये जो वैल्यू मिलेगा आपको इसको ई इसेंट्रिसिटी, यहाँ से भी जो वैल्यू मिलेगा स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी, यानी कि 2e, यहाँ भी जो विड्थ हुआ 2e के बराबर होता है। इसका जो सर्कल का आपका डायमीटर है, डायमीटर को मानते हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो मिडिल फोर्थ रूल क्या कहता है, मिडिल फोर्थ रूल कहता है कि यही जो डायमीटर होगा 2e जो होगा डायमीटर ऑफ कोर ऑफ सेक्शन, यह बराबर होगा डी बाई फोर का, यही कहता है मिडिल फोर्थ रूल। और इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है, देखिए यहाँ भी हम सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी हम सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर चेंजेज होगा क्या, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होगा सर्कुलर के लिए। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या देखते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा कम होगा डायरेक्ट स्ट्रेस से। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा होगा बेंडिंग स्ट्रेस से। इसका फॉर्मूला लिखे पी बाई एरिया ग्रेटर देन एम बाई जेड। ठीक है, अगेन हम पी बट्टा एरिया लिख दिए और ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिए, एम का मतलब हो गया पी इंटू ई और डिवाइड बाई जेड का जेड, यहाँ से पी को कटा लिए तो हमें क्या बच गया, जेड बट्टा ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ये भी एक कंडीशन बनता है, इस पर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि फॉर नो टेंशन जोन इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन इक्वल टू जेड बट्टा में एरिया, यहाँ से भी कंडीशन एक जनरेट होता है और इसी कंडीशन को आगे हम अगर जेड का वैल्यू रख देते हैं, एरिया के वैल्यू रख देते हैं तो हमें मिल जाता है इसेंट्रिसिटी। रेक्टेंगल सेक्शन के लिए तो आप जेड के वैल्यू बता दिए थे,
सर्कुलर सेक्शन के लिए जेड जो होता है आई बट्टा वाई। आई का मतलब हो गया आपको पाई बाई सिक्सटी फोर होता है, पाई बाई सिक्सटी फोर डी के पावर फोर, एंड वाई हो जाएगा डी बाई टू। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जेड बराबर हमें मिल जाता है पाई बट्टा 32 डी क्यूब, ये हमें मिल जाता है यहाँ से जेड की वैल्यू। और एरिया क्या होता है सर्कल का, सर्कल का एरिया हम सभी जानते हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर। पुट करते हैं दोनों की वैल्यू को और देखते हैं कि हमारे पास में रिजल्ट क्या मिलता है। तो ई बराबर है जेड बाई ए, जेड की जगह रख दिया हम पाई डिवाइड बाई 32 डी क्यूब एंड डिवाइड बाई पाई बाई फोर डी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ऊपर मिलेगा डी एंड नीचे मिलेगा 32 से कट जाएगा तो ये 8 मिलेगा, ई बराबर डी बाई 8। अगर 2 यहाँ से बाहर निकालें तो हम लिख सकते हैं इसको 2 ई बराबर डी बाई 4। यही दोस्तों कहा जाता है मिडिल फोर्थ रूल, इसी को कहा जाता है मिडिल फोर्थ रूल। ठीक है, यानी कि 2 ई जो बराबर होगा ये जितना भी सर्कल का डायमीटर होगा उसका चौथा भाग होगा। हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि अगर सर्कल एक कोई एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर तो बताइए उसमें लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी या एसेंट्रिसिटी कितना होगा। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं कि E बराबर होता है D बाई 8, आप जितना भी D दिया है डिवाइड बाई 8 करेंगे 18/8, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी जितना भी आप इसको कैलकुलेट करके लाएंगे। उम्मीद है आपको ये मिडिल थर्ड रूल और मिडिल फोर्थ रूल की वैल्यू आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।